दाने में आंख फोड़ देती है। जब आंख फोड़ी तो राजा सरयाती जो सुकन्या के पिताश्री थे वो माफी मांगने के लिए चमन ऋषि के पास कुटिया में चले जाते। चमन ऋषि ने कहा कि हे राजन, आपकी लड़की को माफ नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरी आंख फोड़ी, मेरी तपस्या भंग करी है, इसका दंड तो इसको भुगतना पड़ेगा। राजा सरयाती ने कहने लगे, महाराज दंड बताओ इसका क्या होगा। अब दंड सुनाया, तो वो चमन ऋषि उस 14 साल की लड़की सुकन्या के लिए दंड सुनाते हैं। देखना ने कहा करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस नादान कन्या से अनजाने में खोट है, लेकिन उसका इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ा। शुरुआत में तो नो ला गया कि बाबा जी ने गलत दंड दे दिया, लेकिन बाद में जैसे देवता तक भी उसके चरण लेने के लिए आए, वो सुकन्या सती कहलाई। लोगों एक बार जोरदार ताड़ियां, ऐसे जति सती की हमें शिक्षा मिलती है। और ऋषि क्या दंड सुनाते हैं, क्या कहते हैं, हे 14 साल रही घर तेरे, हो हो सजन यहां बैठे हो, एक नजर आपकी आंखा का श्यामी हो, एक कोड़ना सुकन्या खड़ी है जिसने खोट कराया था, एक कोड़ना बाबा जी चमन ऋषि और बीच में बाबा जी। अगर नुन्ना आंगली जा तो समझ लो सुकन्या का जिक्र है, नुन्ना आंगली जा तो समझ लो राजा ते कहने लग रहा, बीच में बाबा जी फंसे रहा आज है। क्या कहता है, ये रया 14 साल रही घर तेरे, इब करते हवाले मेरे, क्योंकि आंधा करकी वे तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरे, 14 साल रही घर तेरे। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे आदरणीय हनुमान कौशिक जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, प्रधान जी को बार बार प्रणाम करते हैं। संगठन के सिरसा जिला के प्रमुख डॉक्टर शमशेर काली रमन जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे भाई बहादुरगढ़ से मेरे भाई अच्छे कलाकार हैं, 100 रुपये से मान सम्मान देते हैं। हमारे बीच में आदरणीय जिन्होंने 33 बार जीत की हैट्रिक लगाई और तन मन धन से पूरे देश के लिए समर्पित रहते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हमारे बीच में भी आए हैं, उनका बार बार अभिनंदन है। 500 रुपये से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे संगठन के कार्यकारी प्रधान जी जयप्रकाश थानेदार जी शर्मा जी 100 रुपये से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद है। 100 रुपये आदरणीय बल्लू थानेदार साहब मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद है। और हमारे संगठन के महासचिव भाई रविंदर जी बास हमारे गुवाहाटी गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है। और हमारे बहुत ही आदरणीय संगठन के कोषाध्यक्ष मंजित पासुरिया जी 100 रुपये से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है। KSC चैनल भाई परविंदर चावरिया मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद।
भाई राजेश बास जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। देखिए जब से संगठन शुरू होया था तब से लेकर के आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने तन मन धन से सहयोग किया, और जब ऐसे हमारे आदरणीय हमारा सहयोग करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बीच में ये बच्चा बैठा है, सांसद जी ने बहुत बढ़िया रागनी सुनाई, और जब ऐसी ऐसी प्योद हमारी शुरू हो जाएंगी आगे बढ़ेंगी तो हमारी संस्कृति को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो केवल आप जैसे समाज सेवियों, आप जैसे राजनेता जो धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं उनकी बदौलत होता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, आपने सदा सहयोग किया है इसलिए आश्रम यहाँ तक पहुँचा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली कली में चमंडी सिंह नूकन लगे, हे महाराज मैंने तपस्या सोच के करी थी और मेरे मबण जी के क्या कहता है, धर्म जान के लगा समाधि, धर्म जान के लगा समाधि, के सत के बिरवे बोऊंगा, सूल चबो के आंख फोड़ दी के पेट कुटी मरूंगा, कान खोल के सुन ले राजा ना झूठे झगड़े जोऊंगा, या तेरी सुकन्या ब्याह दे मेरे दाग झगड़ के दूंगा, तेरी सुकन्या ब्याह दे मेरे दाग झगड़ के दूंगा, फिर आंधा मानस अवन करो तो कौन समगरी गेरे अंधा कर दी तेरी सुकन्या, तेरी सुकन्या जो चढ़े कंधे, तेरी सुकन्या जो चढ़े कंधे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, श्रीमान विजेंद्र सिंह जी डॉक्टर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र कायदान जी बडेसरा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान, हमारे बहुत ही आदरणीय विष्णु शर्मा जी सांगेड़ा गांव से मान सम्मान करते हैं, हमारे धारेड़ू गांव के सरपंच आदरणीय बजरंग शर्मा जी मेरे मामा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, 100 रुपये आदरणीय नरेश गौतम जी सरपंच कायला गांव से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद है धन्यवाद। राजा सरिया तीन का महाराज आप कुछ तो विचार करो, आपकी उम्र 88 साल है और मेरी लड़की सुकन्या की उम्र 14 साल की है, और आप शादी की बात कर रहे हो या दुनिया के कहेगी, मतलब विचार बनता हो तो ठीक से, ना तो कोर्ट भुगतना पड़ेगा, ऐसा बताते हैं महाराज आपके काम कराया करो, यहाँ संतों के कर्म बताए हैं दादा मांगेराम ने दूसरी कली में, कैसे मैं 75 में नाया करूं था, 75 में नाया करूं था, इब कौन नुहा के ल्यावेगा, फल और पात बन के खाऊं मन कौन खुआ के ल्यावेगा, 8 समिता कहे यवन की बन में कौन तू आवेगा,
इब कौन चुआ के ल्यावेगा एक मैं दूध गऊ का दाना कौन चुआ के ल्यावेगा फिर ठोकर लगे बाबू ते मेरे ठोकर लगे बाबू ते और हो जा दर्द सवेरे मेरे बहुत ही आदरणीय अनंत राम शर्मा जी बडाड़ा सरपंच साहब सौ रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। हमारे उमरावत गांव के सरपंच आदरणीय सुधीर जी सौ रुपए से मान सम्मान देते हैं सरपंच साहब का बार बार धन्यवाद है। हमारे गांव के पूर्व सरपंच उमरावत के दिनेश कौशिक जी शर्मा जी सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। सौ रुपए हमारे आदरणीय घनश्याम जी उमरावत बार बार धन्यवाद। सौ रुपये बहुत जरूरी मोटा जी सौ रुपये से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है धन्यवाद है। पैसे क्या कहा है के बेरा था न्यू बन जागी के बेरा था न्यू बन जागी खो के खेल चाल जागी पांच सात सखिया ने ले करड़ाई गल चाल जागी या पछले जन्म की पैरन थी बन पैनी से चाल जागी और तेरी सुकन्या मेरे मेरी आदत बेल चाल जागी तेरी सुकन्या प्यादे मेरे आदत बेल चाल जागी और बिन बेटे मेरी मुक्ति हो ना और बिन बेटे मेरी मुक्ति हो ना रे जंगल बिन फेरे अंधा करेगी तेरी सुकन्या दोस्त हमारे मामा जी नारायण शर्मा जी धारेड़ू गांव से मेरे मामा जी नारायण शर्मा जी धारेड़ू गांव से सौ रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है। हमारे साथी कलाकार भाई कृष्ण डार धरना जी सौ रुपए से मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद है। पंडित हरिचरण शर्मा जी सौ रुपए से मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद है। मेरे बड़े भाई कपिंदर शर्मा जी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी सौ रुपए से मान सम्मान किया है बार बार धन्यवाद है। अरे मेरे भाई बहादुरगढ़ से नाम पुरुषोत्तम पाथरवाड़ी बड़ा प्रेमी गांव है हमारा सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई पुरुषोत्तम का बार बार धन्यवाद है। आखिरी की चार लाइनें क्या कहता है कवि देखना हमारे नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे आदि धर्मवीर सिंह जी का संसदीय क्षेत्र भी है वहां ऐसा बताते हैं हमने सुना है कि वहां से 30 किलोमीटर के आसपास डोसी की पहाड़ी है और डोसी की पहाड़ी के ऊपर चमंडी सिंह ने तपस्या करी थी। वहां जो तपस्या के जो निशान है आज भी वहां बताते मौजूद और वो निशान ऐसा उस पहाड़ी का जो दृश्य है वो सरकार के सहयोग से उसका जीर्णोद्धार भी किया गया नवीनीकरण किया गया है ताकि वो हमारी संस्कृति वो हमारे ऋषियों के कदम वो ज्यों के त्यों बने रहें और आने वाली पीढ़ी को उनके दर्शन होते रहें। इसके लिए भी एक बार जोरदार ताड़ियां लगाएं जो इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का हर कर्म से हर धर्म से अपना प्रयास करते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद है। समय और जवान के दोनों ये चीज़ें होती हैं और वो हमारे चौधरी साहब में विशेष रूप से देखी हमने हर कार्यक्रम में अपनी हाजिरी दर्शाना अपनी हाजिरी लगा के और अपने मन की बात अपने भाइयों से अपने प्रेमियों से करना ये एक खास विशेषता होती है और तन मन धन से सहयोग करना और ये तो सामाजिक लेवल का सदा इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहा है काम। इनके लिए एक बार बोल
आखिरी लाइनों में धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपका। आखिरी कली में ऋषि ने क्या कहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मंत्री जीओं का विशेष धन्यवाद।